it is a little awkward to take off your clothes in front of 200 people watching, and some of them being women. Welcome to Cinephile. आज क्यों ना बॉलीवुड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन के बारे में बात करते हैं, जिस मूवी को बॉलीवुड में रिलीज हुए टोटल 14 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। वेल हाँ, बिल्कुल, हम लोग थ्री इडियट मूवी के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में थ्री इडियट के कुछ बिहाइंड द सीन के बारे में बात करेंगे, जो कि इतना फनी और इंटरेस्टिंग है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी में दिखाए गए सबसे आइकॉनिक सीन, जहां पर राजू, रेंचो और फरहान सीढ़ी पर बैठ दारू पी रहे होते हैं। और इस छोटे से सीन का जो बिहाइंड द सीन है, उसी में एक फिल्म बन सकता है, क्योंकि ये इतना ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस सीन में राजू, रेंचो, फरहान शराब पी रहे होते हैं और डायरेक्टर का कहना था कि वहां पर एक सॉफ्ट ड्रिंक को रख दिया जाएगा, लेकिन आमिर खान बोलते हैं कि नहीं, हम लोग यहां पर एक रियल शराब पियेंगे और एक ओरिजिनल एक्टिंग करेंगे, जिस वजह से तीनों रियल शराब को पीना शुरू करते हैं और वो लोग इतना शराब पी लेते हैं कि उन लोगों को याद ही नहीं रहता है कि वो सब करने क्या वाले हैं, उन सबको स्क्रिप्ट तक याद नहीं रहता। जिसके बाद फिर भी राजकुमार हिरानी जैसे तैसे कर उस छोटे से सीन को शूट करते हैं, क्योंकि उनको वहां पर एक परफेक्ट ओरिजिनल एक्टिंग देखने को मिलता है, एक डुप्लीकेट शराबी वाला एक्टिंग नहीं बल्कि एक ओरिजिनल शराबी वाला एक्टिंग। और वो इस मौके को मिस नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसे शूट करने में इतना मुसीबत आता है कि उनका पूरा रील ही खत्म हो जाता है, जिस वजह से राजकुमार हिरानी को रात को 3 बजे कर्नाटक में किसी और फिल्म सिटी में जाकर रील को लेना पड़ता है। वहां पर एक कनाडा मूवी शूट हो रहा होता है और उन्हीं से वो उधार रील लेकर आते हैं और उसके बाद जाकर उस छोटे से सीन को शूट करते हैं। थ्री इडियट के स्टार्टिंग का वो आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर सभी स्टूडेंट का रैगिंग हो रहा था और वो सभी अपना पेंट उतार कर थप्पा लगा रहे थे। ये देखने में जितना बुरा लगता है, उतना ही इसे करने में भी बुरा लग रहा था, क्योंकि इस सीन को कॉलेज के अंदर किया जा रहा था, जहाँ पर चारों तरफ से लगभग 200 से भी ज्यादा बच्चे घेर के रखे हुए थे और उनमें से कई सारी लड़की भी थी, जिस वजह से रेंचो और राजू को ये करने में काफी शर्म भी आ रहा था, क्योंकि उनके पिछवाड़े पर थप्पा लगने वाला था। Shot ready. वहाँ पे हमें पैंट खोलना पड़ा और everybody लगा रहे। So it was quite exciting to see and very embarrassing. Action. मूवी में जब राजू और फरहान वारिस के घर के सामने टॉयलेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक्चुअली में वो दोनों टॉयलेट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उन दोनों के पास एक बोतल होता है जिसके अंदर पीला पानी भरा हुआ रहता है। इस मूवी में जो हमें ICE कॉलेज दिखाया गया है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस मूवी में जो हमें ICE दिखाया गया है, वो एक तरह से IIT का डुप्लीकेट है, जिसका नाम यहाँ पर ICE रख दिया गया है। लेकिन इस मूवी का रियल शूटिंग बेंगलुरु के IIM मूवी में किया गया है, जिस कॉलेज में कुछ वक्त के लिए थ्री इडियट के पूरे क्रू मेंबर एंड इवन आमिर खान और बाकी सभी एक्टर भी उसी कॉलेज के रूम में रहते हैं, और वो सभी एक्टर उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट थे, उन्हीं के साथ अपना रूम शेयर करते हैं। जिसका आइडिया सबसे पहले आमिर खान के पास ही आया था, क्योंकि आमिर खान का कहना था कि अगर हम लोग स्टूडेंट सबके साथ रहेंगे तो हम लोग का एक्टिंग भी उसी तरह का निकलेगा। They were discussing, they asked me, where would you like to stay in Bangalore? कौन से होटल में? You know, there are a lot of good hotels in Bangalore. So where, which hotel would you like to stay in? I said, I don't want to stay in any hotel. I want to stay in IIM Bangalore. मूवी में जब राजू सुसाइड कर लेता है और वो जब ICU में एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहता है, तो हमें डिस्प्ले पर उसके हार्ट रेट और हार्ट बीट दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर राजू का हार्ट बीट नहीं बल्कि बिहाइंड द सीन में किसी और का हार्ट बीट रहता है। जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर एक आदमी यहाँ पर वार्म अप कर रहा है और उसी का हार्ट बीट उस डिस्प्ले पर दिखा रहा है। राजू का काम यहाँ पर सिर्फ सोना था और धीरे धीरे कर होश में आना था, लेकिन हार्ट बीट का काम उस दूसरे बंदे का था जो कि वहाँ पर दौड़ रहा था। मूवी के क्लाइमेक्स में जब साइलेंसर को अपने पेंट उतार कर जहाँ पना तुसी ग्रेट हो करना होता है, वहाँ पर एक्चुअली में उससे उसका अंडरवियर भी उतर जाता है, और साइलेंसर के जस्ट पीछे वहाँ पर करीना कपूर भी खड़ी रहती है, जो कि वहाँ पर सब कुछ देख रही होती है। थ्री इडियट के क्लाइमेक्स सीन को पूरी तरह लद्दाख में शूट किया गया है, जहाँ पर मूवी के लास्ट में जो हमें स्कूल दिखाया गया था, वो भी लद्दाख में ही मौजूद है और वहीं पर पूरे मूवी को शूट किया गया। वेल, यही कुछ फनी इंटरेस्टिंग थ्री इडियट के बिहाइंड द सीन थे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं अगला वीडियो भी बना सकूँ।